नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर, मैथमेटिक्स बाय अभिषेक सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11th क्लास का मैंने पहला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो कि क्वाड्रेंट पर बेस्ड था मैंने अपलोड किया और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। तो वापस मैं थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था क्वाड्रेंट के अंदर यहां सारे के सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, और सिखाया था साइन एंड कॉसेक होते हैं यहां पॉजिटिव, यहां होता है जी टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और यहां होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। अच्छे से आप लोगों को याद होगा ये 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, ये था हमारा 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो आगे की बात करते हैं, ये तो पीछे की क्लास में मैंने आपको समझाया था। तो लास्ट क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके अंदर सारा का सारा एंगल हमारा पॉजिटिव था, जितने भी एंगल थे सारे के सारे साइन 120 कॉस 135 सारे के सारे एंगल पॉजिटिव थे। आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा यहां आपका एंगल जो है वो नेगेटिव होगा, एंगल नेगेटिव होगा। और एंगल नेगेटिव सॉल्व करने से पहले कुछ मैं नेगेटिव एंगल से रिलेटेड फॉर्मूले को बता दूं, तो बस बहुत ही आसान है, याद करने का तरीका भी बता रहा हूं। अगर साइन ऑफ माइनस थीटा होता है तो ये हो जाता है हमारा माइनस साइन थीटा, इफ कॉस इज माइनस थीटा देन ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा ये हो जाएगा जी हमारा माइनस टेन थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और अगर कॉसेक ऑफ माइनस थीटा होगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, और लास्ट हमारा अगर कॉट ऑफ माइनस थीटा होगा तो ये हो जाता है माइनस कॉट थीटा। इस छह के छह को कैसे याद रखोगे आप, बस आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए, इफ कॉस ऑफ माइनस थीटा देन इज कॉस थीटा एंड सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा। कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव रहेगा, कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। याद करना बहुत आसान है, ऐसे बिल्कुल याद नहीं करना साइन हमारा माइनस होता है टेन हमारा, बिल्कुल याद नहीं करना, सिर्फ आपको ये याद करना है कि कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होगा बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो आओ कुछ नेगेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखता हूं। आपके पास क्वेश्चन है जी, सॉल्व करना है साइन ऑफ माइनस 120 डिग्री को, साइन ऑफ माइनस 120 डिग्री को कैसे सॉल्व करूं इसको। सबसे पहली बात, अभी फॉर्मूला सिखाया साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारा, थीटा इज 120, तो मैं बोलूंगा ये हो गया हमारा माइनस साइन 120। बस बाहर वाले माइनस को एज इट इज आप लिखते रहो, अंदर आपको सॉल्व करना आता है। अब आपको ये देखना है, माइनस के साइन को मैंने बाहर लिख दिया, साइन 120 को आप कैसे सॉल्व करते थे, या तो साइन 120 को सॉल्व करने का तरीका 90 प्लस 30 और 180 माइनस 60, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा मैं पहले बता चुका हूं। और ये फिर वापस 90 होता है तो चेंज होता है हमारा साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, और 90 प्लस थीटा इन विच क्वाड्रेंट लाई सेकेंड, सेकेंड में क्या क्या होते हैं पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक, हमारा यहाँ साइन था साइन पॉजिटिव तो कॉस भी होगा पॉजिटिव, और माइनस इंटू प्लस हो गया हमारा माइनस कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू पता है आपको रूट 3/2, सो अवर फाइनल आंसर इज माइनस रूट 3/2। एक दो और एग्जाम्पल लेता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने पॉजिटिव एंगल को सॉल्व किया था, आज मैं नेगेटिव एंगल वाला समझा रहा हूँ। तो दूसरा मैं लेता हूँ, सपोज अपने पास है कॉस ऑफ माइनस 405 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो पीछे फॉर्मूला सिखाया अभी क्या होता है भाई, कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव बाकी सारे होते हैं नेगेटिव, सो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, इसका मतलब ये हो गया जी कॉस ऑफ माइनस 405 हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ 405, एंड कॉस ऑफ 405 को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं बोलूंगा कॉस 360 प्लस 45, कॉस 360 प्लस 45, और कॉस 360 नो चेंज, कॉस एंगल हमारा क्या है 45, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सो आवर फाइनल आंसर इज कॉस 45 कितना होता है 1/√2। सिंपल है, बहुत ही आसान है, सिर्फ क्या देखा आपने कि नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगाना है, और उसके बाद जैसे पॉजिटिव वाले को सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं, क्लियर हो जाएगा, टेन ऑफ माइनस 135 डिग्री, और टेन ऑफ माइनस थीटा, अभी पीछे मैं लिखा फॉर्मूला, कॉस और सेक के अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, सो टेन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस टेन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, सो टेन ऑफ माइनस 135 इज
तो -10 135 और इसको सॉल्व करना है जी। 10 135 को मैं बोलूंगा 180 -45 और 90 + 45। वापस माइनस वाले साइन को बाहर रहने दो। 10 180 - थीटा 180 नो चेंज, 180 नो चेंज, थीटा हमारा 45 डिग्री है एंड 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में क्या क्या पॉजिटिव होता है भाई, साइन एंड कॉसेक, बट हमारे पास क्या है टेन और ये हमारा होगा नेगेटिव। सो माइनस माइनस प्लस प्लस 10 45 एंड 10 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। तो नेगेटिव एंगल को कैसे सॉल्व करते हैं आपने देखा, 2-4-5 इसके ऊपर मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं, बिल्कुल सॉल्व करना, आंसर ना आए तो बताना, कमेंट करना। कॉसेक माइनस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, सेक माइनस 405 का वैल्यू बताना है जी। थर्ड में दे रहा हूं कॉस माइनस 210 डिग्री। फोर्थ दे रहा हूं आपको कॉट माइनस 120 डिग्री और फिफ्थ है हमारे पास साइन कॉस 10। एक साइन दे देता हूं, साइन हमारा माइनस 315 डिग्री। ये पांच एग्जांपल, पांच क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, किसी का आंसर ना आए तो वापस कमेंट करना। और फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एंगल नेगेटिव कब कब, जब जब हमारा कॉस और सेक का एंगल नेगेटिव होगा, कॉस और सेक का एंगल नेगेटिव होगा हमेशा क्या हो जाएगा जी, ये पॉजिटिव। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट से रिलेटेड मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। अब नेक्स्ट क्लास मैं आगे चलूंगा, फिलहाल इसको प्रैक्टिस करना और बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के बीच इसको फैलाओ, मेरे कॉन्सेप्ट हर बच्चे तक पहुंच पाए, बस इतनी सी मदद करो। थैंक यू।